रानी एक्टर्स के साथ वीडियो बनाने वाले नए सिंगर सावधान हो जाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे हमारे जो सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे डांसर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक नए सिंगर हैं, आपको अगर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा या कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे आप अपनी गायकी को पूरी वर्ल्ड वाइज या पूरी दुनिया में आप बिखेर सकें और स्टार बने, तो इससे तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए आप जाकर देख सकते हैं। और आपको खुद ब खुद क्या डिसाइड करना है, आपको लाइफ में क्या करना है, ये सारी एम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय। यहाँ पर बात आती है कि फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो नए सिंगर होते हैं वो ज़्यादातर टॉप मॉडल को ही सेलेक्ट करते हैं अपने गाने में, वीडियो तो उनका बन जाता है लेकिन वीडियो बनवाने के लिए नए जो सिंगर होते हैं वो टॉप मॉडल को ही सेलेक्ट करते हैं। टॉप मॉडल को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो सोचते हैं कि हम टॉप मॉडल को लेंगे तो हो सकता है कि हमारा गाना 100% चल जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप टॉप मॉडल को सेलेक्ट करें तो आपका गाना कुछ टाइम के लिए चलेगा, बेशक उतना टाइम के लिए चलेगा जितने टाइम में आपकी पहचान ना बन पाए। मतलब मार्केट में अगर आपके गाने पर अगर मिलियन व्यूज़ जाता है तो बेशक आपका पहचान मार्केट में नहीं बन पाएगा। क्यों? कि आप अपने अगर वीडियो में रानी एक्ट्रेस को आपने लिया होगा तो रानी एक्ट्रेस के नाम पे आपका गाना मार्केट में रन करेगा, लेकिन अगर गाने में कोई क्वालिटी नहीं है, गाने का अगर देखा जाए तो मैटर अच्छा नहीं है, तो 100% वो गाना डाउन होते ही चले जाएगा मार्केट से। तो काफ़ी ऐसे जो हमारे सिंगर भाई लोग हैं वो बहुत से अपना देखा जाए तो आइडियो बनवा चुके हैं और वीडियो में काफ़ी जो हमारे पुराने सिंगर हैं वो सरानी एक्टर्स को सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी पैसा भी खर्चा किए हैं लेकिन फिर भी उनको मार्केट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। काफ़ी जो हमारे नए सिंगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हैं लेकिन उनसे पहले जो सिंगर लोग आते हैं वो काम करके चले जाते हैं। काफ़ी जो ऐसे नए सिंगर हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पुराने एक्टर्स को अपने हर गाने में लेते हैं और उनका गाना फिर भी वायरल नहीं होता और उस गाने का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मार्केट में। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप रानी एक्ट्रेस या भोजपुरी के किसी भी टॉप मॉडल को लेने से पहले इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया होगा तो 100% आप जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर आप काम करेंगे, अपने लक्ष्य पर ही हमेशा काम करेंगे जिससे आपका हमेशा नुकसान नहीं होगा, हमेशा आप बेनिफिट में रहेंगे। तो बेशक यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि फ्रेंड्स, अगर आप एक नए सिंगर हो तो बेशक जो पैसा आप रानी एक्टर्स के गाने पे या उनके साथ जो आप वीडियो बनवाते हो वो पैसा जब रानी एक्टर्स के ऊपर जो खर्चा करते हैं आप पैसा, वो खर्चा आप अपने गाने पे स्टार्ट कर दीजिए खर्चा करना। क्योंकि अगर आपके गाने में क्वालिटी है, आपका गाना बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, आपके गाने का मैटर भी बहुत ही यूनिक है, तो अगर आपका गाना बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, अगर आप रानी एक्टर्स को भी नहीं लेते हैं तब भी आपका गाना वायरल होगा। अभी बीच में एक गाना वायरल हुआ है बुलेट राजा जी का, आपने सुना होगा, उनका गाना यूट्यूब से डिलीट भी करवा दिया गया लेकिन बहुत तेज़ी से उनका गाना वायरल चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गाना वायरल क्यों हुआ, उसमें कुछ ऐसे शब्द डाले हुए, यूनिक शब्द डाले हुए जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में डिटेल बताया था, वो यूनिक शब्द की वजह से उनका गाना एक दो दिन में मिलियन व्यूज से ज्यादा पार कर चुका है और गाना इस लगन में बहुत तेजी से चलने वाला है। तो उस गाने की सबसे खासियत बात थी कि उसमें दो तीन ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे और वो शब्द दर्शक को ज़्यादा पसंद आए, इसलिए इनका गाना बुलेट राजा जी का गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। काफ़ी इन्होंने गाना बनाया था लेकिन कोई गाना इनका मार्केट में वैल्यूशन नहीं कर रहा था, लेकिन इस गाने ने इनको एक हाईलाइट पोजिशन दे दिया। तो आप एक नया सिंगर, आप फर्जी जगह बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्चा करते हो तो आप किसी भी जगह पैसा खर्चा करने से पहले आपको उससे देख लेना चाहिए इससे मेरा बेनिफिट क्या होने वाला है और मेरा नुकसान क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप जब अपने दिमाग से काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, अगर आप सामने वाले के दिमाग से काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता मिले या ना मिले, वो चीज़ आप ही केयर कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर आप काफ़ी पैसा एक एक गाने का अगर 20-20 हज़ार रुपया एक एक लड़की के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, आपका गाना इंटरेस्टिंग नहीं है, आपके गाने के मैटर में कोई दम नहीं है, तो 100% ये समझ लीजिए कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो वेस्ट जा रहा है। इसलिए जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसी पैसे से आप एक ऑडियो बनाइए, दो बनाइए, तीन बनाइए, चार बनाइए
और इंटरेस्टिंग मैटर वाला बने, जिससे आपका गाना भी मार्केट में हाईलाइट हो। और जो नए सिंगर होते हैं वो ज़्यादातर पॉपुलर राइटर से ही गाना लेते हैं, और अक्सर जो पॉपुलर राइटर होते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी उनको लिख के दे देते हैं और वो कुछ भी गा के चले आते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जिसको आप देख के आप अपने आप को एक मोटिवेट कर सकते हैं कि लाइफ में हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। ये चीज़ आप 100% कर सकते हैं। आप हमेशा नया सिंगर से गाना लीजिए, क्योंकि आप हमेशा नया राइटर से गाना लीजिए, क्योंकि नया राइटर आपको यूनिक शब्द और यूनिक चीज़ देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी एक पॉपुलर राइटर बनना है। तो बेशक पॉपुलर राइटर जब वो बनेगा, जब आपको गाना देगा, वो गाना मार्केट में हिट गाएगा, तो वो भी एक पॉपुलर राइटर बन सकता है। तो बेशक का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।